साइड से गाड़ी आगे निकलेगी, आगे मत जाना। अबे सर यहाँ पर आपके राइट में सर, यहाँ पे आपके राइट अबे सर आपके राइट अरे वो देखना जूते पे रखा हुआ है। अरे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस वेबसाइट की ओपनिंग आपके कर कमलों द्वारा हो जी। गिरीश अश्विनी जी सिर भाई वेबसाइट आती हैं बहुत सारी, अगर आप के हिसाब से फिल्म के ऊपर कोई वेबसाइट बननी चाहिए तो क्या आपके जहन में आता है कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत है। मतलब झूठ बोलना नहीं चाहिए, तो झूठ अगर ना बोले तो जो फिल्म की स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द अगर कुछ माहौल समझाना हो इस फिल्म को, इस कॉन्टेक्स्ट इस संदर्भ में आप देखें, डायरेक्टर की, राइटर की, प्रोडक्शन कंपनी की इच्छा क्या है, आप किस मिजाज की फिल्म बनाई है, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको देखें, किस ऑडियंस के लिए बनाई है, उनके इरादे जाहिर करें आप और सच बोलें, फिर होप फॉर द बेस्ट। अश्विनी जी नहीं, मैं थैंक यू सुधीर भाई का, साजिद कुरैशी जो प्रोड्यूसर हैं द मैन बिहाइंड इनबॉक्स, जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज नानो की जानो फिल्म की ट्रेलर लॉन्च के साथ वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे, सो हमें लगा कि सुधीर भाई से बेहतर आदमी नहीं हो सकते हैं हमारी वेबसाइट लॉन्च करने के लिए, कि जिस तरह का कंटेंट इनबॉक्स पिक्चर्स आने वाले समय में बनाने वाला है, सो ब्लेसिंग सुधीर भाई की, थैंक यू सुधीर भाई फॉर कमिंग, थैंक यू। क्या बात, थैंक यू सुधीर भाई, प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें, थैंक यू गाइस, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जिसमें से आपको मालूम है कि नई नवेली वेबसाइट है इनबॉक्स पिक्चर्स, और सुधीर भाई अश्विनी जी गाइस, तो चलिए आइए, अब बारी है ट्रेलर की, और हमेशा कोशिश रहती है कि ट्रेलर में वो तमाम चीजें दिखाई जाए जो फिल्म के अंदर हैं, लेकिन एक नए अंदाज में इस ट्रेलर को दिखाया जा रहा है, तो उसके बाद जानना चाहूंगा आप लोगों से कि इस ट्रेलर को देखते हुए क्या लग रहा है। जैसे कि पराग ने बताया कि यार उसमें कुछ ऐसा है जिसमें जो जानू है, हो सकती है भूत हो सकती है, लेकिन क्या है, आइए चले एक बार करते हैं हम लोग ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे, चलिए आइए। तुम तो रास्ता ही रोक लिए भैया, क्या कर रहे हो, तनिक पीछे तो रहो। हाँ
हाँ तो बात थी मुद्दे वाली, क्या लगा ट्रेलर पर मुझसे देख रही थी कि ये देख रही थी आप? बुलाया क्यों आपको यहाँ पे? जबरदस्त, क्या जबरदस्त, क्या समझ में आया? ट्रेलर जबरदस्त था, एक एक्साइटमेंट देखने के बाद ऐसा लगता है कि फिल्म देखनी है, मजा आ गया। क्या बात है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और कोई कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेगा? अरे पन्नू भाई बोलिए बोलिए बोलिए। रॉकिंग और कॉमेडी थ्रिल पूरा मिक्सचर है इसमें। क्या बात है, मैं जानबूझ के पत्रकारों सब मेरे भाई लोगों से बुलवा लेता हूँ कि बाद में संघर्ष नहीं होना चाहिए रिपोर्टिंग करते समय, उन्होंने तो उस समय कहा था कि यार बहुत अच्छी थी। तो गाइस मैं चाहूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर प्लीज फराज भाई को प्लीज कम ऑन द स्टेज, नशर हैदर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, कम ऑन जोरदार तालियां। ओफो क्या बात, शुक्रिया, क्या बात है, ऐसा एक्साइटमेंट है बहुत कम देखने को मिलता है डायरेक्टरों में, वरना नॉर्मली डायरेक्टर आते हैं हाँ भाई क्या पूछ ले जो पूछना, लेकिन ऐसा डायरेक्टर पहली बार देखा मैंने। जैसी फिल्म है वैसे ही मूड रखना पड़ेगा। ऐसा आप ही कैरेक्टर में ये मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब देखिए ऐसा है कि अभी देखा इतने लोगों ने देखा, कुछ लोग अभी सोच रहे थे कि क्या है, यानी जो यहाँ पे कार आई जो गाड़ी आई उसमें जानू थी नहीं थी, वो कैसे मतलब ये? बिल्कुल, अभी आपने देखा जैसे बाहर के नानू हमारे अभय देओल जो हैं वो एक ड्राइवर लेस कार, मतलब आपके लिए वो ड्राइवर लेस थी लेकिन एक्चुअली उनकी जानू वो गाड़ी चला रही थी, तो नानू अपनी जानू के साथ ही आए थे, आपको नहीं दिखी वो जानू, फिल्म में ज़रूर दिखेंगी और थोड़ी देर में शायद स्टेज पर भी दिख जाए आपको। तो ये अभी आपने देखा, तो यही फन हमारी फिल्म के अंदर है। तो क्या है पूरी फिल्म की कहानी? अगर पूरी कहानी तो फिल्म के अंदर ही आप जब देखेंगे तभी पता चलेगी, लेकिन थोड़ा सा मैं फिल्म के बारे में आपको बता दूं कि एक ऐसा बंदा दिल्ली का रहने वाला जो मेरा कैरेक्टर है नानू, जो लोगों के घरों पे कब्जा करता है, किसी से नहीं डरता, और जब उसकी लाइफ में एक भूत आ जाती है तब उसकी हालत क्या होती है, ये फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ वही बात, मनु भाई ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि आप इस फिल्म के अंदर हल्का सा डरोगे लेकिन हंसोगे और उसके साथ साथ कुछ समझोगे भी। तो ये मेरी फिल्म का एक कोशिश की है कि आप लोगों को हंसाने की, और जो जैसा कि आप जानते हैं कि अभय जिस तरीके के एक्टर हैं बहुत ही रियलिस्टिक एक्टर हैं, तो वो मेंटेन करने की कोशिश की है कि सुपर नेचुरल फिल्म को रियलिस्टिक जोन में कैसे दिखाया जाए, वो एक कोशिश की है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। क्या बात है, तो आई थिंक अब इस फिल्म के हीरो यानी कि हमारे अभय देओल साहब को बुलाई जाए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अभय के लिए, जोरदार तालियां, कम ऑन गाइस। अभय बहुत फ्रेश दिख रहे हैं, बहुत कमाल दिख रहे हैं, और इस फिल्म में तो क्या बात, थैंक यू। तो ये गाड़ी जो थी जो गिरीश वानखेड़े साहब ने जो मार्केटिंग जो संभाल रहे हैं, गिरीश साहब ने बड़ी अच्छी एक स्टाइल में ये गाड़ी को बनाया था, तो कैसा आपको जो पहली बार बताया तो कैसे लगा था आपको? मुझे बोला कि ड्राइवरलेस गाड़ी है, तो आई थॉट चलो आजकल मार्केट में तो आ गई हैं ऐसी गाड़ियाँ, आई सपोज एक इंडिया में भी है अभी, मे बी दे ट्राइंग टू मेक अ सेल, किसी की मार्केटिंग भी हो जाएगी। अच्छा। तो जब मैं आया अंदर और बैठा तो मैंने देखा कि एक बंदे ने एक सीट का सूट पहना हुआ है। सो वाज अ मैन इन एन आउटफिट दैट वाज मेड टू लुक लाइक अ चेयर। ओके। तो मुझे बड़ा फनी लगा। क्या बात है। दूर से तो सीट ही लगती है पर मुझे मालूम था कि उसके अंदर कौन है। क्या बात। तो अभय आपके बारे में जाना जाता है, पहचाना जाता है कि आप बड़े चूजी हैं, कोई भी फिल्म करते हैं तो बहुत सोच समझे करते हैं, और इसलिए इस बार तो काफी लंबा गैप हो गया, तो ये फिल्म सेलेक्ट करने का कारण क्या है? वो साजिद भाई ने बंदूक डाली थी मेरे सर कि तू ये करेगा। सो आई डिडंट हैव अ चॉइस। नहीं नहीं, फराज को मैं जानता हूँ, मनु को भी जानता हूँ। फराज एक्चुअली ओइला की तेरी पहली फिल्म थी क्या? तो ये फर्स्ट एडी था ओइला की लकी ओए पर जी। ऑफ कोर्स मनु था मेरा को स्टार उसमें, मनु के साथ मैं 140 क्लास लोकल में भी काम कर चुका हूँ, उस दो तीन ऐसी फिल्में जिसके लिए उसने डायलॉग्स भी लिखे हैं जिसमें मैं हूँ, और एक ऐसी फिल्म भी है जिसमें हम दोनों ने एक्टिंग की लेकिन साथ में नहीं किए हैं, और फिर ये भी है, तो मेरा रिलेशनशिप है दोनों के साथ। तो मैंने बोला चलो ठीक है मिलते हैं सुनते हैं क्या है, और फिर जब मैंने कहानी सुनी मुझे बहुत पसंद आई, आई थिंक इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग एबिलिटी, मनु की के डायलॉग्स,
मिलाकर दोनों की एक अच्छी पेयरिंग है, यू नो दे फीड ऑफ ईच अदर. तो मुझे दिखा कि यार आई थिंक दिस विल बी अ गुड एक्सपीरियंस. क्या बात है. तो इस फिल्म को देखने के बाद आपने पूरी फिल्म देख ली? मैंने फिल्म देखी नहीं अभी तक. अच्छा, अभी नहीं देखी. अच्छा अच्छा, मतलब आप बच गए. मतलब कि जो जो बनाया वो जानता हूँ, वो देखा हमने, जो किया याद है. अच्छा अच्छा, होपफुली एडिटर ने अभी माँ बहन नहीं कर दी उसकी. इधर ऑन टीवी नहीं, पर क्या कोई ऐसी चीज बताओ यार जो फिल्म के शूट के दौरान हुई हो, क्योंकि मैं इसमें ट्रेलर में देख रहा था दोस्त कि इसमें बड़ा अच्छा लाफा मारा गया है. हाँ, लाफे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई. एक्चुअली ओएलकी के टाइम पर जब हम शूट कर रहे थे तो उसमें एक सीन था जहां पर अभय को मनु ऋषि के थप्पड़ मारना था और बहुत जोर से, मतलब वो थप्पड़ फिल्म में आपको दिखा होगा. तो मनु भाई इज लाइक के हाँ भाई मार देना. तो अभय ने घुमा के थप्पड़ दिया था और वो रियल थप्पड़ उनके लगा था. लेकिन मेरी फिल्म में एक थप्पड़ ऐसा था जो मनु को वापस से अभय को मारना था. तो नाउ मनु के दिल में वो था कि आज बदला ले लूंगा ओएलकी से अब तक. और लेकिन हम दोनों की सेटिंग पहले ही हो चुकी थी कि हमने सीन में आगे क्या है वो नहीं बताया था मनु को. तो मनु भाई ने जब थप्पड़ मारा तो अभय ने तो मूव कर लिया अपना चेहरा, लेकिन वो जो सीन आगे बढ़ा था उसमें ये था कि अभय वापस से मनु को पकड़ते हैं और तीन चार थप्पड़ वापस से मार देते हैं. तो एक की जगह अब चार डी हो गए उनके ऊपर थप्पड़. तो देट वॉज ए लाइक बहुत ही एंटरटेनिंग हमारा एक सिचुएशन थी जो फिल्म के दौरान थी. तो ऐसे फन हम करते रहे. नहीं, पर देखो आप फर्स्ट एडी थे ना एक जमाने में, ऐसे आपका फर्स्ट एडी मेरा दोस्त. अच्छा। वो सब इन्फॉर्मेशन देता था कहाँ दिल्ली में शूट कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये सीन उसने मुझे बताया था फोन में. तो मैंने कहा चलो ये मौका अभी पूछ लेता हूँ मैं. एंड मैं इस फिल्म की हीरोइन पत्रलेखा से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए पत्रलेखा के लिए. अनेक भाई नानू आ गया है, अब जानू की बारी है. जानू, जानू के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए. कम ऑन. तभी आप इन दोनों की बातें सुन रही थी, आप बड़े गौर से देख रहा था मैं आपको, है ना. हाँ हाँ, आपकी हंसी बता रही कि और भी बहुत नाटक हुए थे यहाँ के बीच में. बता दो ना आज और क्या क्या हुआ था, चलो जो भी तुम्हारे दिल में बता दो. अच्छा क्या हुआ? वो डीनो ये तो कभी हो चीनी सेट पे लेट आ दी ऐसा. हाँ, इसीलिए तुमको भूत बना दिया इन लोगों ने, इसीलिए तुमको भूत बनाया ना इन्होंने. मैंने चिढ़ाना शुरू कर दिया इसको, तो हमेशा लेट आती है. मैं प्रमोशन के टाइम ऐसे ही करता हूँ मैं. अच्छा नहीं, पर इसी जब तुम लेट आती थी इसी कारण से इन्होंने चलो इसको भूत बना दो यार, है ना. नहीं नहीं, मैं मान सकता हूँ ऐसा, जो आप बोलते हैं मैं मानता हूँ. पत्र की लकीर है, जो आप बोलते हैं बिल्कुल मानता हूँ. आप मानोगे कि ये लड़की लेट आ सकती है? आपको लगता है चेहरा देखकर कि ये लेट आएगी? ये तो आप ही एक्सप्लेन कीजिए. नहीं, आपने बोला, आपने यकीन मान लिया. नहीं, मैं तो आप जो बोलते हैं हमेशा मानता हूँ. आप जो बोलते हैं वो मानता हूँ. He believes it. That wasn't the case. ऐसा? कभी आप लेट नहीं आती है ना? कभी भी नहीं. Raso, have I come late till date? अब है? मैं लेट होता था. तो फिर क्या हुआ कि ऐसा क्यों, तुमको भूत क्यों बना दिया यार, इतनी अच्छी सुंदर लड़की है यार. I think मैं भूत से ज्यादा अच्छी लगती हूं, तो इसलिए भूत नहीं बना दिया, है ना प्रासो. आप बताओ आपने मेरे को क्यों कास्ट किया? नहीं, बहुत से लोग रियल उसमें भूत लगते हैं मगर आप नहीं लगती है, इसलिए आपको बनाया. मतलब यहाँ के वन लाइनर इतने पंच लाइन मिलने वाले ना सब यहाँ मीडिया वालों को, यही चलने वाला है पूरे. लेकिन पत्रा के बारे में एक बात कहूंगा कि पत्रा को शायद हाइट से थोड़ा सा डर लगता है, शायद नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा डर लगता है. और मेरी फिल्म के अंदर पत्रा हार्नेस के ऊपर और काफी ऊंचाई तक उनको लेके जाया गया है जिस तरीके का उनका कैरेक्टर है. तो वो पत्रा ने किया और डर उन्होंने अपने अंदर रखा. मुझे बाद में बताया कि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है. तो दैट इज वेरी गुड के पत्रा ने कैरेक्टर को ध्यान में रख के वो चीज की और अपने डर को पीछे छोड़ा. और वो शॉट जो थे हमारे काफ़ी हाइट के ऊपर, उनको हार्नेस से टांगा गया था. तो वो इट्स लाइक बहुत ही, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा. तो कैसा नरेशन दिया था जब डायरेक्टर साहब आए थे, मनुज आए थे आपके पास में, तो क्या नरेशन था कि आपने कहा कि नहीं अब तो ये फिल्म करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं, एक्चुअली इन्होंने स्क्रिप्ट दिया था एंड व्हेन आई रेड थ्रू द स्क्रिप्ट आई थॉट इट वाज अ वेरी स्वीट एंडियरिंग फिल्म. और ये जॉनर इंडिया में अच्छे से टैप नहीं किया गया,
so I think our film will probably be the first film. तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, I was like, oh my god, I have to do this film. क्या बात है? जब आपने कहा पढ़ने और लिखने की बात की, तो मैं मनु ऋषि से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज. मनु ऋषि, जोरदार ताली होनी चाहिए. क्या बात है, ओए होए, ये बात. मनु भाई, थप्पड़ के बारे में मैं बोलता हूँ, ऐसे छोटी सी चीज. मुझे वही लकी लकी हुए में थप्पड़ पड़ा, फिल्म लोगों के दिल तक पहुंची. मुझे फंस गए ओबामा में, नेहा धूपिया से थप्पड़ पड़ा, फिल्म दिल तक पहुंची. और इस फिल्म में चार थप्पड़ पड़े, इसने तो मुझे चार पड़े हैं, तो दिल दिमाग और कहां कहां पहुंचेगी पता नहीं. तो ये फिल्म आपने लिखी है? लिखी. तो यार मनु, क्या ऐसी बात थी जो आपको लगे कि यार इस पे कुछ कहानी बननी चाहिए? कौन सी एक ट्रिगिंग पॉइंट थे, बीच पॉइंट क्या था? साजिद भाई, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं साजिद कुरैशी, उनके पास ये एक एक लाइन थी, एक कि इसके इर्द गिर्द कुछ कहा जाए. तो कुछ एक अटेम्प्ट करने के बाद फिर हमको लगा कि हाँ, एक बुरे आदमी को ठीक किया जाए, कुछ ऐसी कहानी बनाई जाए. तो अभी आया स्टोरी के अंदर यही था कि एक ऑब्वियस है कि भूतनी का एक आम लड़के के साथ प्यार है जो कभी दिखा नहीं है. एक ऐसी लव स्टोरी जो एक लड़का भूतनी से कर रहा है, तो वो मुझे काफ़ी एक्साइट किया. एंड देन स्टार्ट थिंकिंग, मैं और फराज दोनों, हम लोग खूब जैमिंग करते थे इसके अंदर. और फिर पहुँच गया यार एक स्क्रिप्ट लेकर अवे तक और फिल्म बन रही. क्या बात है. आई थिंक जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने तो पूछ ही लिया, आप लोगों की बारी है. माइक है उनके पास. गिरीश भाई, हमारी बारी. मीडिया मीडिया. हाँ हाँ, माइक चालू करो भाई. Congratulations to you all, and thank especially you. To Girish thank also. जैसे फिल्म एक भूत की कहानी है, या तो do you really believe in that thing, इस तरह का, या फिर कहते हैं कि जब अनुभव होता है अपने आप पर, then you start believing. और कभी ऐसा कोई instances हुआ है कहीं पर in your life? Because we have also heard like there are lots of haunted places where you know we have lots of location where there are some haunted places. तो कभी ऐसे कोई experience हुआ है? How much do you believe in it? I've never had any incident happen to me of any sort of supernatural things. No. But I guess I don't believe in ghosts, but I definitely believe in spirits. You want to call them ghosts, you want to call them anything else you can, I suppose. I don't know. I don't claim to know anything about the other side because I've never seen it. So I know that I don't know. Main aise hi manta hu that I know that I don't know. That may I'm accepting of whatever may be the case. Hey. Hi. And Patra? Main bhagwan pe bahut believe karti hu. So sometimes, you know, when you believe in God, there are times you want to believe on the flip side. But I keep it strong that I just believe in one thing, and that's what I follow. Abhay, here. Yeah. Hi. Hi. जैसे अभी आपके director साहब ने भी कहा कि आप भी काफी realistic actor हैं, and वैसे भी जो मतलब आपको serious actor माना जाता है, तो actually क्या चीज़ थी ये film को करने के लिए जिसने, क्योंकि आप ghost में believe करते नहीं हैं, ये film ghost को लेकर के है, तो क्या चीज़ actually थी जिसने convince किया आपको ये film करने के लिए? One question to you, Patra, आप answer कर लो उसके बाद. Well, essentially इसका प्लॉट मुझे बहुत पसंद आया, इसकी ह्यूमर मुझे पसंद आई, डायलॉग्स, कैरेक्टराइजेशन. यूजली व्हाट हैपेंस इज, अगर स्क्रिप्ट ऐसी लिखी है जिसमें आपको देखे कि हाँ ऐसे कैरेक्टर्स मैंने देखे हैं, और हाँ चाहे वो दिल्ली में हो या कैलकटा में हो या कहीं पे भी हो, अगर उस एरिया का कैरेक्टर कल्चर सब अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया है राइटर ने, जो इन्होंने किया था, तो फिर ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट आ जाता है. ऑल राइट, इट्स टेकिंग ट्रू टू इट्स बैकग्राउंड, ओके, इट्स गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर, अ स्टाइल, यू नो. और ये प्लॉट थोड़ा यूनिक है, एक भूतनी प्यार कर लेती है एक लड़के से, यू नो, एंड ऐसी कोई कहानी मैंने देखी नहीं है अभी तक. आई एम श्योर शायद होगी समवेयर, बट यहाँ पर देखी नहीं है मैंने. तो मैनी थिंग्स प्लस लाइक मैं इन्हें जानता हूँ पहले से,
फराज के साथ काम कर चुका हूँ, मनु के साथ काम कर चुका हूँ, इनको जानता भी हूँ मैं. सो ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर, साजिद भाई, उनका बैकग्राउंड, उनका खुद का पैशन, तो जो लोग थे इन्वॉल्व, जो स्क्रिप्ट थी, जैसी थी, मैंने उसी को देखकर डिसाइड किया कि मैं करूँगा ये. ट्रेलर में आपकी बस मतलब गिनी चुनी झलक नजर आई है हमें, फिल्म में आप कितना दिखोगे ये आपको डायरेक्टर साहब बताएंगे, यही मैं बातचीत कर रही थी उनसे डायरेक्ट. या एक्चुअली ये डेलिबरेटली पत्रा को बहुत कम एक झलक दिखाई है, क्योंकि यू नो पत्रा का जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, वो जहाँ भी आया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं चाहता नहीं था कि वो ट्रेलर में मैं उसको रिवील करूँ. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर वो फिल्म के अंदर है, और वो चीज़ मैं चाहता नहीं हूँ कि ट्रेलर में वो रिवील हो. जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कैरेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है इस फिल्म में, और किस जगह पर जहाँ पर भी वो आया है. और तो वो मैं ट्रेलर पर नहीं चाहता, तो इससे डिलिबरेटली मैंने उसको ट्रेलर में बहुत एक झलक दिखाई. शीज़ राइक बादाम रोगन, एक किलो बादाम में रोगन जो है वो 100 ग्राम ही निकलता है, तो फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंट. इसीलिए ट्रेलर में आपको सिर्फ एक दो झलक उसकी मिली है. Are you happy to be the बादाम और the रोगन? बादाम रोगन, बादाम का जो ऑयल. Am I happy to be the बादाम or the रोगन? No, she is रोगन. Yeah, she is रोगन जोश. Okay, next question. Hi, Faraz. Hello. Hi. Yeah. Yeah. Why such a long time after your first film? या एक्चुअली बिल्कुल मेरी पहली फिल्म थी वॉर छोड़ना यार. उसके बाद मैंने एक फिल्म और शूट की इन लंदन, वो मैं अभी उस फिल्म के
global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।